हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल एडवांस स्टडी हब में। दोस्तों, आज एक नए अपडेट के साथ आज मैं जुड़ा हुआ हूँ, और ये जो अपडेट जुड़ा हुआ है रेलवे जूनियर इंजीनियर में जो वैकेंसीज निकली गई हैं, जो कि इस साल का 2018 का सबसे आखिरी रिक्रूटमेंट बना, रेलवे ने अपनी वैकेंसीज को अनाउंस किया। तो आज हम इस अपडेट से ये पता करेंगे कि इसके फॉर्म कब से कब भरे जाएंगे और इसकी लास्ट डेट कब रहेगी, इसमें सिलेबस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम फीस और भी सारे जो पैरामीटर्स रहते हैं फॉर्म भरने के साथ साथ सारे साथ सिलेबस हम इसका डिस्कस करेंगे और सिलेबस में क्या बताएंगे और वैकेंसीज टेबल आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक का बटन जरूर दबाएँ, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के अपना सहयोग प्रदान करें। तो बढ़ते हैं अपने आगे की अपडेट की ओर। अपडेट जो जुड़ा हुआ है रेलवे भर्ती बोर्ड सभी जोनों की वैकेंसीज जो निकली हैं जूनियर इंजीनियर के लिए, तो यही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें डेट्स वगैरह क्या क्या दी गई, इंपॉर्टेंट डेट्स जो नोटिफिकेशन में दी गई हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसा कि पब्लिश हुआ है ये 29/12/2018, जो कि आज है 29/12/2018 को रेलवे ने इसको पब्लिश कर दिया है नोटिफिकेशन को। और ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो प्रक्रिया है 10 बजे से शुरू हो जाएगी, और ये कब होगी, 2 जनवरी 2019 को। ठीक है, क्लोजिंग ऑन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये फॉर्म कब बंद होगा, 23:59 मीन्स 12 बजे 31 जनवरी 2019 को ये बंद हो जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ ऑफलाइन पेमेंट, तो ऑफलाइन पेमेंट भी है, जैसा कि इसमें बताया कि चालान के थ्रू भी इसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन पेमेंट जैसा कि ये दिया है, तो क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन पेमेंट है 5 फरवरी 2019 को ये ऑनलाइन पेमेंट की क्लोजिंग हो जाएगी। और क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इनकम्प्लीट ऑल रेस्पेक्ट, सारे रेस्पेक्ट में मिला के ये सब फॉर्म जो होगा सभी का सभी 7 तारीख अंत करी गई है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और ये इसकी जो ड्यूरेशन दी गई है अप्रैल टू मई में ये एग्ज़ाम होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि RPF के बचे हैं, SI के बचे हैं अभी, और कॉन्स्टेबल के, उसके बाद ही मिला के ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होने वाली है, तो मई और अप्रैल में ये होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं नीचे की ओर और देखते हैं इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो फॉलो करने हैं। तो पेज नंबर 6 पे हम आ चुके हैं, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं पेज नंबर 6 पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहले देखेंगे एग्जामिनेशन फीस क्या है। फॉर ऑल द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फी कंसेशन, मीन्स यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ जनरल कैटेगरी से जो भी बंदे हैं उनके 500 रुपये लगेंगे, 500 रुपये ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू ये होने वाला है, और जिसमें से 400 रुपये आपके एग्जाम देने के बाद लौट जाएंगे, जो कि रिफंडेबल है। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखते हैं पर्सन बिलोंगिंग टू SC/ST जो हैं और PWDs, फीमेल्स हैं, ट्रांस माइनॉरिटीज, जितने भी कैटेगरी में जो आते हैं बंदे, उनको 250 रुपये इसकी फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, और ये पूरी जो फीस है पूरी रिफंडेड होगी, रिफंड रहेगी, और जैसा कि आप पेमेंट करेंगे उसी हिसाब से आपको रिफंड मिल जाएगा। तो आगे के पैरामीटर पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन बंदे उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। 3 ईयर डिप्लोमा वाले ये हैं जो कि सिविल वाले हैं, आप इन सभी कैटेगरीज को यहाँ पे फिल कर सकते हैं और इसी के हिसाब से आप भर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल वाले बंदे हैं वो ये वाले भरेंगे, जिसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ तो आप सभी लोग उसको देख पाएंगे कि मैकेनिकल से जो कैंडिडेट हैं तो वो उसको भर पाएंगे। और साथ ही साथ जो नीचे दिया गया है ये है 3 ईयर डिप्लोमा और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जितने भी स्ट्रीम्स हैं, तो ये सब पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा है या फिर बैचलर डिग्री है, बीटेक डिग्री है, तो आप ये सब पोस्ट भर सकते हैं। तो और नीचे की तरफ मैं बढ़ता हूँ इसमें और दिखाता हूँ कि इसमें और कुछ भी है जो बताने लायक है। ठीक है, तो ये तरह तरह की इसमें जो चीज दी गई हैं, मैट्रिक भी दिया गया है, डिप्लोमा चाहिए लेकिन उसके संग 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग चाहिए ही चाहिए। PGDCA वालों के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर BSc से कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच से अगर हैं तो आप PGDCA करे हुए हैं तो आप इस ट्रेड को यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जो कि 68 नंबर पर यहाँ पर दी गई है।
है, फिजिक्स केमिस्ट्री से आपका बैचलर डिग्री है तो वो आप इसके लिए केमिकल के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। हायर डिग्री अगर आपके पास है बी बी टेक तो आप सारे मतलब जो अधिकतर ट्रेड्स हैं तो उनके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, बात करता हूँ वैकेंसीज की। वैकेंसीज से हिसाब से बोर्ड वाइज तो जिस भी जोन से आप रिलेटेड हैं तो उस हिसाब से आप वैकेंसीज देखिए, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए और जिस जोन में आपको बेस्ट लगे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है तो वहाँ से आप इस फॉर्म को फिल करिए। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि थोड़ी मेहनत करिए इस एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही अच्छा 14,000 पोस्ट का मौका मिल रहा है और 15 गुना बंदे लेने हैं दूसरे एग्ज़ाम के लिए। मीन दो एग्ज़ाम होने वाले हैं, एक प्री फर्स्ट स्टेज होगा और दूसरा जो होगा टेक्निकल एग्ज़ाम होगा, जिसके बारे में मैं इसके बाद बताता हूँ। ये सारी वैकेंसीज हैं, ये सब आप थॉरली आप नोटिफिकेशन से चेक करिए, उसी हिसाब से अपना प्रेफरेंस वगैरह जो भी मांगते हैं वो भरिए है। और जिसमें आपका अच्छा लगता है, आपको अब जोन से रिलेटेड है, आप पास में जॉब जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे कम कंपटीशन है तो वहाँ से आप इस फॉर्म को भरें। ठीक है, तो आगे के बारे में हम देखते हैं इसमें और क्या हुआ दिया हुआ है। तो ठीक है, तो आ गए हम यहाँ पर 10वें नंबर का जो पेज है, यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, कॉमन है ये सारा सिलेबस। फर्स्ट जो स्टेज है सीबीटी स्टेज है तो इसमें जो सेक्शन दिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एएलपी में भी वही सेम टू सेम वही था पैटर्न था, तो फर्स्ट स्टेज बिल्कुल सेम टू सेम वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो डिवाइड किया गया है वो थोड़ा अलग किया है। मैथमेटिक्स यहाँ पर 30 नंबर की रखी गई है। और अच्छा, सबसे पहले ये बताता हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 100 हैं फर्स्ट स्टेज के लिए, क्योंकि जूनियर इंजीनियर के लिए है। एएलपी में 75 मार्क्स का था पूरा पेपर और यहाँ पे पूरा 100 नंबर का पेपर रहेगा, तो उस हिसाब से सेक्शंस कुछ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि मैथमेटिक्स में यहाँ पर 30, रीजनिंग में यहाँ पर 25, जनरल अवेयरनेस से 15, जनरल साइंस जो कि महत्वपूर्ण रखती है 30 नंबर है, और टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होगा और 90 मिनट का ये पूरा पेपर होगा। उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि सेक्शन मार्क्स जो दिए हैं जितने का नंबर है, और जैसे 30 क्वेश्चन है तो 30 मार्क्स के हैं, तो 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के होंगे और आपको आपको डेढ़ घंटे के अंदर इसको ख़त्म करना पड़ेगा। मीन्स डेढ़ घंटे आपको इसमें ख़त्म करना पड़ेगा। और 120 मिनट्स यहाँ पर लिखा हुआ, ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं जो डिसेबल्ड बंदे रहते हैं तो उनके लिए पे थोड़ा रिलैक्सेशन रहता है टाइम का। तो डेढ़ घंटे का समय है 100 क्वेश्चन करने। और सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस में इसमें क्या दिया हुआ है सिलेबस के हिसाब से हम। अच्छा, ये भी जानना है कि CBT 2 में क्या है, CBT 2 का सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या रहेगा, तो वो हम जानेंगे। तो हम आ गए हैं यहाँ पे जो 10वां पेज है उसी के जस्ट नीचे ही है सेकंड स्टेज का। इसमें भी 120 मिनट दिए हैं, 2 घंटे का पूरा पेपर रहेगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे। फर्स्ट स्टेज में 100 थे, यहाँ 150 हो गए और यहाँ पर समय भी थोड़ा बढ़ा दिया गया, आधा घंटा बढ़ा देके 2 घंटे यहाँ पे कर दिया गया है। इसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे, करंट अफेयर्स के जो भी हो सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी यहाँ पर आएगी और यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर है, एनवायरमेंटल है, पॉल्यूशन कंट्रोल, टेक्निकल एबिलिटीज़। ठीक है, टेक्निकल एबिलिटीज़ को यहाँ पे काफ़ी पैरामीटर्स में यहाँ बांटा गया है और यहाँ पर देखने वाली बात है पैरामीटर जो रखे गए हैं यहाँ पर ABCDE ग्रुप बना दिए हैं टेक्निकल का जो भी है। तो नीचे कुछ दिए गए हैं एनेक्शंस, उसमें टेक्निकल का सिलेबस दिया गया है, तो हम उन एनेक्शंस पे सबसे पहले जाते हैं। अच्छा, 120 क्वेश्चन है, ये सब पूरा पैटर्न दे दिया गया है, 120 क्वेश्चन जो होगा CBT 2 का, और तो ये 2 घंटे के लिए रहेगा तो ये रहेगा। ठीक है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, टेक्निकल भी है, टेक्निकल 100 नंबर का है और बाकी का सब मिला मिलू के जो भी है तो वो सब आपको इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले नीचे की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो आ गए हम यहाँ पे एनेक्शा 29 नंबर का पेज है, यहाँ पे सिलेबस दिया गया है इस पूरे नोटिफिकेशन में। ये JEE के लिए, सिविल वालों के लिए है, उसी हिसाब से सभी ट्रेड्स का सिलेबस इसमें नीचे की तरफ दिया गया है। ठीक है, तो नीचे हम दिखाते हैं आपको यहाँ पे किसका दिया गया है, इलेक्ट्रिकल एंड एलाइट का दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का दिया गया है यहाँ पे। उसके साथ से साथ सारे ट्रेड्स जो भी आप जिससे रिलेटेड हैं, डी आपने किया है, बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, तो उन सबका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। तो अब अपडेट में सिर्फ इतना ही था। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों को पता चले, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको इसी तरीके से हमारे मिलते रहेंगे। अगर वीडियोस ऐसे ही मिलते रहेंगे तो हो सकता है कि आपकी जॉब जरूर जरूर लगेगी, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपकी जॉब लगेगी यहाँ से। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब आपकी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।